स्वागत है दोस्तों। आज मैं आपको दिखा रही हूँ अपना एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट जिसका नाम है टेंगल्ड हार्ट। शायद टेंगल्ड हार्ट इसलिए कि ये सारे मुड़ तोड़ के सब जुड़े हुए फिर से जुड़े हुए हार्ट्स हैं। देखिए इसकी लीफ, देखिए ये लास्ट ईयर मैंने किसी से 3-4 कटिंग ली थी और इतना अब मेरी बास्केट पूरी भर के देखिए कहाँ तक नीचे तक लटक रही है। ये इसका नाम पिल्लो प्लांट भी है और स्वीडिश आईवी भी बोलते हैं इसको। ये एक सकलेंट है और इसकी पत्तियाँ मोटी मोटी सी हैं जिसमें कि पानी स्टोर है। ये बहुत ही तेज़ी से बढ़ने वाला प्लांट है। मैंने इसकी बहुत सारी और एक और बास्केट बनाई है और ये इस तरह से एक मैंने बॉटल में भी इसको कट करके लगाया है। ये पत्तियाँ जब शुरू में निकलती हैं तो ये इस तरह से एक वाइन होती है। ये इस तरह हैंगिंग बास्केट में बहुत खूबसूरत लगती है। नई पत्तियाँ तो एक स्टेम के ऊपर दो दो ही होती हैं, लेकिन जैसे जैसे ये पुरानी हो जाती हैं तो फिर ये इस तरह से नीचे मतलब इसकी स्टेम में से और बहुत सारी स्टेम्स इस तरह से निकल आती हैं। ये सब इसकी पुरानी लीफ हैं और ये ऊपर से ग्रीन और इसकी बैक साइड इस तरह से पर्पल है। अगर ओवर वाटर हो जाए या पुरानी हो जाए तो ये येलो होके इस तरह से अपने आप गिरने लग जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। तो इसकी बात करते हैं सॉइल की। इस ये किसी भी सॉइल में लग जाता है, वेल ड्रेन हो तो ज़्यादा अच्छा है। लाइट इसको 2-3 घंटे की चाहिए, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट लाइट इसको शेड एरिया में ये अच्छा चलता है। और पानी तो जैसा कि सकुलेंट है आप इसको 1-2 दिन के बाद ही डालें तो अच्छा रहता है। और फर्टिलाइज़र जब भी आप इसकी सॉइल बनाएं तो उसमें कोई भी गोबर खाद या लिक्विड फर्टिलाइज़र आप वंस इन अ मंथ इसमें डाल सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है देखिए, और हैंगिंग बास्केट में बहुत ही खूबसूरत लगता है। एक मैंने इसकी ये और बनाई हुई है, इसमें छोटी छोटी सी फ्लावरिंग भी होती हैं। ये इसके सूखे हुए फ्लावर्स हैं इस तरह से। अगर आपने नई बन प्रोपेगेट करना है तो इसको वाटर में भी कर सकते हैं। कोई भी इस तरह से लेके उसका एंड पार्ट में आप लीफ हटा दें और इसको पानी में डिप कर दें। अगर आपने इसको इस तरह से लगाना है तो इस तरह छेद करके इसको बस इसका ये पार्ट इसमें डाल दें और ये इस तरह से बहुत सारी कटिंग लगा दें तो ये अच्छी चल जाती है। किसी भी सीज़न में प्रोपेगेट करना इजी है, या फिर आप इसको इस तरह से गोल करके अगर रख देते हैं तो इसके पीछे नोड एरियाज हैं, वहाँ से ये बहुत खूबसूरती से जड़ पकड़ के चल पड़ती है। तो ये जानकारी थी मेरे पास इस खूबसूरत टेंगल्ड हार्ट की। अब इसकी स्टेम्स कितनी भी अलग कर लें वो फिर से आपस में जुड़ जाती हैं। देखिए कितना खूबसूरत ये प्लांट है। अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।